पैसा दे देना वो दीदी के पैसा से न मत करो चलो पैसा दी न दीदी हमारे सब पुन ले ली पूरा पूरी छः को ले लोग छः आदमी के माइक एगो दे दो तू ले लो हम। जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इधर का तो दर्शन हो गया। आज हम लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से ही आप लोग ओमकारेश्वर जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। तो यहाँ पे ये मेरी सासू माँ है, ये देखिए ये मेरी सासू माँ है जो मैरून कलर की साड़ी पहनी है, वो मेरी सासू माँ है, ये मैं हूँ और ये दीदी है, ये जिया जी है, इनके हस्बैंड है ये। और ये मेरा भांजा है भगीना जिसको बोलते हैं, और ये मेरे पति देव हैं। और ये देखिए जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे इतना बोलबम का मतलब भीड़ लग रहा था कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा लोग कांवड़िया का भीड़ लग रहा था रोड पे। देखिए कितने लोग कांवड़ ले लेके और जा रहे थे। देखिए कितने रोड पर कंवरिया लोग वहीं पे जा रहे थे जलधारी करने के लिए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और जितना मतलब हम लोग सुबह में निकले थे घर से करीब 10 बजे के करीब में, तो उस टाइम में मतलब कम भीड़ था ये कंवरिया लोगों को, लेकिन जब हम लोग रात में वहाँ से रिटर्निंग आ रहे थे 12 बजे के करीब में, उस टाइम में इतना ज़्यादा कंवरिया का भीड़ था कि पूछिए मत। तो मैं सोची कि आप लोगों को जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे तो कंवरिया लोगों का आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। ये देखिए मेरे को गाड़ी में नींद लग रही थी तो मेरे को पति देव मेरा ना पीछे से आवाज़ दे रहे थे, और ये मेरा भांजा है, और मेरी मम्मी तो गाड़ी में जाते जाते सो गई क्योंकि रास्ता बहुत मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना उज्जैन में ही वो है ओमकारेश्वर भगवान, लेकिन हम लोगों के यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, 150-200 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखिए जब हम लोग वहाँ के आसपास में पहुँचे तो देखिए वहाँ का पहाड़ी इलाका कितना ऊँचा पहाड़ था, ये सब वहाँ का पहाड़ी इलाका है। तो फाइनली हम लोग धाम पे पहुँच गए। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर की तरफ। तो यहाँ से जो भी प्रसाद वगैरह लेना था, तो ये मेरे जिया जी हैं, तो जिया जी प्रसाद लेने के लिए सबको बोल रहे थे। और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब भीड़ था, इतना लोग वहाँ पे, एक तो सावन का महीना है, शिव जी का प्रिय महीना है, पावन महीना है, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो सावन के महीने में ओमकारेश्वर जी का दर्शन कर लिए, क्योंकि हर कोई उतना दूर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सोची कि चलो एक वीडियो बना लेती हूं और अपलोड कर देती हूं ताकि जो भी मेरे फ्रेंड है वो सारे लोग वीडियो के माध्यम से ओमकारेश्वर जी का दर्शन कर सके। तो देखिए यहां से हम लोग प्रसादी ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा वहाँ पे सजा के हर एक चीज़ मिल रहा था। और ये मेरे पति देव पैसा दे रहे हैं प्रसाद के देने के लिए। और इधर मम्मी खड़ी है, हम लोग प्रसाद खरीद रहे हैं, मम्मी इधर चुपचानी खड़ी है। ये इतना ना गाड़ी में सो ली थी कि मम्मी भौंकवा आ गई थी एकदम से।
देखिए फाइनली हम लोग प्रसाद ले लिए। वो जिया जी अपने लिए 3 पैकेट लिए क्योंकि जिया जी थे, दीदी थी और उनके लड़के थे, और हम लोग भी 3 पैकेट लिए। एक मैं थी और मेरे पति देव और मम्मी, तो 6 पैकेट प्रसाद हम लोग ले लिए। पूजा का यह तो चूड़ी खरीदी हाँ। और मैं यहाँ पे प्रसाद खरीद रही थी, तो यहाँ का मतलब चूड़ी देख करके इतना मुझे पसंद आता है ना, मैं धाम पे जाती हूँ तो सिर्फ मुझे चूड़ी और सिंदूर इतना पसंद आता है कि जी चाहता है कि मैं कितना खरीद लूँ। सारे लोग प्रसाद खरीदने में थे और मैं चूड़ी देखने में थी, क्योंकि मेरे को वहाँ का लाह का चूड़ी जो था ना वो बहुत पसंद आया। और फाइनली हम लोग प्रसाद ले लिए और चल दिए ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग वीडियो के पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग भी वीडियो के माध्यम से आप लोग भी ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन कर लीजिएगा। तो देखिए सभी लोग चल दिए, दीदी, जिया जी, बाबू और मम्मी, मैं, तो सभी लोग चल दिए। मेरे पति देव उधर वीडियो बना रहे थे और ये रहे मेरे पति देव, ये बाबू वीडियो बनाने लगे और मेरे पति देव अब चलने लगे हम लोगों के साथ में। एक वहाँ पे हाथ नहीं था उस आदमी का, उसी को दक्षिणा देने के लिए वो गए थे। क्योंकि देखिए अगर कोई मांगता है तो देखिए हमें ऐसे लोगों को दान करना चाहिए जिसके हाँ पास में हाथ पैर नहीं है। कोई भी आप धाम पे जाइए या कहीं भी अगर कोई भी मिले तो आपको उसी को दक्षिणा देना चाहिए जिसके पास में हाथ पैर नहीं है, क्योंकि वो बेचारा कमा नहीं सकता है, हम लोगों के आश्रित बैठे रहता है, तो इसलिए हमें उसी को पैसा देना चाहिए। बाकी आजकल की दुनिया इतना दलाल हो गई है कि, और ये है ओमकारेश्वर भगवान का मुख्य प्रवेश द्वार, तो इतना दलाल दुनिया हो गई है कि जिसका हाथ पैर सलामत है वो भी मांग रहा है, और जिसके पास में नहीं है उसका तो बात ही अलग है। तो मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग धाम पे जाएं या कहीं भी आप लोगों को दान करना है तो या तो दान पेटी में डालें तीर्थस्थान पे, और नहीं तो आपको उस आदमी को दान करना है जिसको जिसके पास में हाथ पैर नहीं है, और जिसका हाथ पैर तंदुरुस्त है वो अपना कमा के खा लेगा, उसका वो एक आदत नहीं हो जाता है मांगने का, वो हो जाता है। तो जिसके पास में हाथ पैर है आप लोग मत दीजिएगा, लेकिन जिसके पास में हाथ पैर नहीं है उसको जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग चल दिए भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ से फूल वहाँ से नहीं लिए थे तो यहाँ से फूल खरीद रहे थे हम और दीदी। और यहाँ के जो फूल बेचने वाले थे ना वो इतना मतलब तेज थे कि पूछिए मत। एक तो 5 रुपये का फूल दे रहे थे और उस पर से बोल रहे थे क्या कि 100 रुपये का प्रसाद लो फिर 5 रुपये का फूल मिलेगा। तो हम लोग क्या कि पहले तो फूल ले लिए, फिर जब बोले कि हाँ चलो प्रसाद, हम लोग तो उधर से प्रसाद ले लिए थे, यहाँ पे सिर्फ फूल लेना था, तो बोल रहा है कि नहीं अब प्रसाद लीजिएगा तब तो फूल मिलेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ से फूल छोड़ दिए और आगे जाके अपना फूल दूसरे से खरीद लिए। देखिए यहाँ से मैं और दीदी फूल खरीद रहे हैं और पीछे मेरे पतिदेव खड़े हैं। और ये देखिए ये फूल है ओमकारेश्वर भगवान का, जब दर्शन करने जाइएगा ना तो ये पुल है, और पता है ये कौन सा पुल है, ये झूला पुल है। ये इतना ऊपर नीचे करता है कि इस पे चलने में डर लगता है, जैसे झूला ऊपर नीचे करता है ना वैसा ही ये पुल ऊपर नीचे करता है। अगर मतलब कोई कम हार्ट का होगा तो पक्का इस पे उसका हार्ट फेल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लचकता है। और ये जो नदी दिखाई दे रही है ना इसमें बोट चल रहा है, जिसको भी अपना वीडियो शूट करना है फ़ोटो शूट करना है, और हम लोग भी यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे थे लेकिन हम लोग नदी में नहीं गए क्योंकि मम्मी एक तो बुजुर्ग है और मम्मी को छोड़ करके जाना अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग नदी में नहीं गए फ़ोटो शूट कराने के लिए और ना ही बोट से घूमने के लिए। तो हम लोग ऊपर से ही अपना नदी का दर्शन किए और पुल पे ही हम लोग अपना फ़ोटो शूट कराए और फिर वहाँ से चल दिए ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा दूर है, एक तो गाड़ी में बैठे बैठे हालत ख़राब, उस पर से जहाँ पर हम लोग उतरे वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पैदल चलना पड़ा। तो फाइनली हम लोग जब प्रसाद ले लिए और लाइन में लग गए भगवान जी का दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है क्योंकि सावन का महीना है ना,
तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। आप लोगों को तो पता ही है कि सावन का महीना शिव भक्तों के लिए कितने वर्षों कितने महीने से इंतजार रहता है कि कब सावन का महीना आएगा कि हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। सावन का महीने का बात ही अलग होता है। तो देखिए ये ओंकारेश्वर भगवान का श्रृंगार हो रहा है। तो वीडियो के आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं क्योंकि वहाँ का बहुत छोटा जैसे था ना वो शिवलिंग था। महाकाल भगवान का था है तो वो बड़ा शिवलिंग है, लेकिन ओंकारेश्वर भगवान का एकदम छोटा सा है, नीचे ज़मीन में है वो, मतलब झुक के देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं क्योंकि टीवी में दिखाई दे रहा है। हम लोग लाइन में लगे थे ना वहाँ जाने के लिए, तो वही टीवी में दिखाई दे रहा है। और इतना पतला लाइन था, इतना उसमें जाने में प्रॉब्लम हो रहा था कि पूछे मत। एक तो इतना पतला, उसी में से बीच में घेर दे रहा था, एक आदमी इधर से जा रहा है तो एक आदमी उधर से वापस आ रहा है। देखिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओंकारेश्वर भगवान का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और ये मंदिर राधे कृष्ण का मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पर भी दर्शन किए। और यहाँ से सीढ़ी है क्योंकि वो ऊंचे पर रहते हैं ना ओंकारेश्वर भगवान जी, तो यहाँ से सीढ़ी है। तो अब यहाँ से चढ़ के फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, एक तो इधर से लोग जा रहे हैं और उधर से लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग जिस लाइन में लगे थे ना तो वो VIP लाइन था, क्योंकि जिस साइड हम लोग लगे थे उस साइड कम भीड़ था, लेकिन जिस साइड से जनरल लोग जा रहे थे VIP लाइन नहीं था उधर से, तो बाप रे बाप लग रहा था कि मतलब देह छिल्ला जाएगा, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो देखिए फाइनली हम लोग जा रहे हैं, और जितने मतलब अंदर की तरफ जा रहे थे ना उतना ही पतला गेट है। और देखिए ये ओंकारेश्वर भगवान का मेन गेट है, तो यहाँ से प्रवेश करना है। तो देखिए कितना छोटा द्वार है, इतना छोटा, अगर ज़्यादा मोटा आदमी होगा तो इसमें अटेगा भी नहीं, बहुत पतला इसमें का द्वार है। और उसमें भी भीड़ इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। और देखिए वही है ओंकारेश्वर भगवान जी, क्योंकि वहाँ तक तो मोबाइल नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए ओंकारेश्वर भगवान का हम लोग फ़ोटो नहीं लिए। आप लोग टीवी के माध्यम से आप लोग ज़रूर दर्शन कर लीजिएगा और ओंकारेश्वर भगवान का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो लास्ट में हम लोग फ़ोन बंद कर दिए, तब हम लोग गए दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन करके कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ओंकारेश्वर भगवान का जयकारा जरूर लगाइएगा। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भीड़। वहाँ तक तो मतलब जो भी दर्शन करने के लिए जा रहा था ना, मुश्किल से 2 सेकंड वहाँ पे रुकने दे रहा था, बस जाओ हाथ जोड़ो, प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दे रहा था और बोल रहा था निकलो 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 निकलो, ऐसा बोल रहा था।